तो हमने पढ़ ली, अब हम अगला काम ये करते हैं कि हम ऑथेंटिकेशन भी कर लिए, उसको होस्ट भी करके देख लिया, सारे मसले मसले जो थे वो सारे हमने रिजॉल्व कर लिए। अब ये जो ऐप हमारी चल रही है ना इस वक्त यहाँ पे, इसको मैं बंद करके, ये लोकली हमारी ऐप यहाँ पे चल रही है। हमने लास्ट टाइम एक बनाया था क्रड ऑपरेशन फायरबेस के साथ, तो इसके होम पेज पे ना उसको लेकर आ जाता है ताकि ऑथेंटिकेशन और क्रड ऑपरेशन एक जगह हो जाए। फिर हम वहाँ से आगे चलेंगे और थोड़ी सी आज यूआई पढ़ के आज की क्लास हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो वो कौन से वाले में किया था हमने, ये 11 पे ना, फायरबेस फायर स्टोर हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं SRC में जाता हूँ। अच्छा, इसमें एक ही पेज था app.jsx, ये मेरा एक ही पेज हुआ करता था उस ऐप में, ठीक है। तो इस पेज में सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की थी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है, जैसा कि गेट फायरबेस कलेक्शन एड डॉक्यूमेंट XYZ, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए थी उसमें, ठीक है। तो ये सारा इंपोर्ट मैं कहाँ लेकर आ जाता हूँ, अपने होम पेज पे लेकर आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे इस क्रड ऑपरेशन को लेकर आना है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ज़रा इसको चला के भी देख लेते हैं कि ये था क्या और किस तरह का दिखता था ये, ठीक है। ये 11 था ना, CD 11, और इसको मैं NPM स्टार्ट, ठीक है। ये कह रहा है भाई 3000 पे तो पहले से कुछ चल रहा है, तो दूसरे पे चला दूँ। मैंने कहा हाँ यस, तो इसने 3001 पे इसको चला दिया। तो ये मेरा कुछ क्रड ऑपरेशन था, इस तरह का कुछ हुआ हुआ था इसमें, बहुत कोई वाहियात सी हमने UI इसकी बनाई थी, ठीक है। ये डिलीट भी हो रहा था और ये एडिट भी हो रहा था, और ये एक ही पेज पे हो रहा था। तो ये पूरा का पूरा जो पेज था वो मैं अब कहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, मेरे होम पेज पे, ठीक है। और हम कुछ एक दो चीज़ें आज और भी देखेंगे कि भाई ये डेटा जो है अभी पब्लिक है, तो ये डेटा पब्लिक बिल्कुल भी पब्लिक नहीं होना चाहिए ना यार। फायरबेस के रूल्स वैसे तो हम कवर नहीं कर रहे इस कोर्स में, लेकिन एटलीस्ट एक रूल हम पढ़ेंगे कि भाई अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं हो ना तो फिर डेटा नहीं देना, ऑथेंटिकेटेड हो जब ही देना ये डेटा। अभी तो बिल्कुल ही लॉगिन किए बगैर ये डेटा आ रहा है ना मेरे पास। तो ये था मेरे पास जो भी चल रहा था, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इन सब को थोड़ा थोड़ा करके मैं क्या करता हूँ, उठा के अपने जो ऑथेंटिकेशन वाली नई ऐप है उसमें लेकर आ जाता हूँ, ठीक है जी। ये सब मैंने कॉपी किया, और एक्सियोस तो यूज़ ही नहीं हो रहा, डिम हुआ है। अच्छा, ये सब मैंने कॉपी किया, और जो मेरी नई वाली ऐप है उसके होम पेज पे मैं इसको लेकर आना चाह रहा हूँ, सब चीज़ों में पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे पास अभी इसमें इंस्टॉल नहीं है, इस प्रोजेक्ट में जैसे मूवमेंट इंस्टॉल नहीं है, तो ये ज़ाहिर है एरर देगा मूवमेंट का, मुझे मूवमेंट का एरर दे रहा है, ये मूवमेंट का एरर नहीं दे रहा, इसको जब यूज़ करूँगा तो फिर दे ही देगा, ठीक है। वापस इसके app.jsx में गया मैं, और यहाँ जाने के बाद अच्छा फायरबेस कॉन्फ़िग वगैरह मेरे पास उस नई ऐप में हुआ हुआ है, तो मुझे ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनिशियलाइज ऐप भी हुआ हुआ है, मुझे ये काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। DB ठीक हो गया, और ये पूरा जो ऐप का पूरा कंपोनेंट है मेरा, ये पूरा कंपोनेंट मुझे वहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट में, और ये DB के साथ इसको जैसे कट कर लेता हूँ, और कट क्यों करूँगा मैं, यहाँ भी तो चाहिए मुझे ये मतलब पुराना डेटा है ना हमारा, ठीक है। वेल, तो यहाँ से मैंने पूरा ये उठा लिया, और पूरा उठा के मैं क्या कर रहा हूँ अब, इधर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ आगे, ठीक है। तो पहले इसका नाम होम था, इस होम को मैं ज़ाहिर है हटा देता हूँ, और इसकी जगह अब इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, होम रख देता हूँ, और लास्ट में जहाँ पे ये एक्सपोर्ट हुआ है वहाँ पे भी होम कर देता हूँ, ठीक है। वही कंपोनेंट था पूरा का पूरा, उठा के मैं यहाँ लेकर आ गया। अच्छा, अब जो ये गेट फायर स्टोर था ना, मैं इसमें क्या करूँगा, गेट फायर स्टोर को अंदर से ऐसे खाली छोड़ूंगा, इसमें ऐप लगाता था ना, अब इसमें ऐप नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और क्या करूँगा मैं, और मैं जाऊँगा अपने app.jsx में, बल्कि इंडेक्स में जहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ किया था, ये गेट ऑथ है ना यहाँ पे, इसी के साथ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट फायर स्टोर। अच्छा, ये ऑटोमेटिक ऊपर इसने रिक्वायर भी कर लिया, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऊपर इसने रिक्वायर कर लिया, यहाँ पे एक बार कर दूँगा तो काफ़ी है। इसका नाम रख दूँगा मैं DB, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैंने इसको बता दिया काफ़ी है, क्योंकि
जो मेरी मेरी जो जावा स्क्रिप्ट है ना वो एक ही फाइल है, सिंगल फाइल है, मेरी ऐप ही सिंगल पेज है। तो अगर एक बार किसी जगह पे इनिशियलाइज हो गया ना तो उस पूरी ऐप में मुझे दोबारा इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब उसको गेट करूँगा ना गेट फायरबेस और ये ऐप नहीं भी दूंगा उसको तो कॉन्टेक्स्ट में से खुद उठा लेगा वो, ठीक है। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। अच्छा, इसका एक तरीका और भी करते हैं लोग कि अलग से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने की ज़रूरत जब पेश आती है जब आप एक ही रिएक्ट की ऐप में दो डेटाबेस लगा रहे हो, जब आप फायरबेस के दो अलग अलग डेटाबेस लगा रहे हो फिर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तो एक ही ऐप है तो फिर तो सही है ना। अभी तो मैंने देखो लगा दिया ना, फायरबेस ऑथेंटिकेशन और फायर स्टोर दोनों लगा दिया तो सही है, दोनों चल रहा है। हाँ, यहाँ पे लिखा है नहीं, यहाँ पे भी नहीं लिखूँ तो भी चलेगा। नहीं, यहाँ पे से मैं हटा दूंगा तो मुझे ये हैंडल नहीं मिलेगा ना। फिर यहाँ पे मैंने देखो बीच में ऐप नहीं दिया इसको, पहले यहाँ पे बीच में ऐप पास किया हुआ था मैंने। अगर मैं पुरानी ऐप में जाऊँ ना, यहाँ पे मैंने देखो कैसे इसको किया हुआ था, ये बीच में ऐप को पास किया हुआ था, तो शायद इससे तासुर जा रहा था कि भाई हर दफ़ा मुझे ये कॉन्फ़िग लिख के इसमें ऐप पास करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं नहीं भी करूँ तो चलेगा, ठीक है। यूज़ स्टेट भी मुझे वहाँ पर चाहिए, सही है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया, अब इसमें कोई एरर तो नहीं रह गया इस फाइल में, कोई एरर नहीं है, लेकिन एक एरर होगा वो नहीं मिल रहा होगा इसको है, ये हाँ हाँ मूवमेंट इसको नहीं मिल रहा ना, तो मूवमेंट को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm i, अब ये मूवमेंट क्या होता है, इससे हमने क्या किया था, अगर ये कोई इसको समझ नहीं पा रहा तो फिर जो हमने फायरबेस का करंट ऑपरेशन किया था ना, दो क्लासेस में किया था हमने, तो वो दो क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी, उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, ठीक है। मतलब ये पूरी जो बनी हुई ऐप का एक कंपोनेंट, जैसा कि आपको याद होगा शुरू में हमने डिस्कस किया था कि कंपोनेंट क्या होता है, एक बड़ी मशीन का एक छोटा पार्ट होता है जो कि इटसेल्फ अपने आप में कंप्लीट होता है। तो अब आपको शायद वो फील हुआ होगा कि मैंने एक दूसरी ऐप से पूरा कंपोनेंट कॉपी किया और एक दूसरी ऐप में ला के पेस्ट कर दिया और वो चल गया, जस्ट उसकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होंगी मुझे और कुछ खास नहीं करना होगा। देखते हैं यहाँ पे इस तरह, अच्छा यहाँ भी कुछ एरर आया है, यहाँ पे क्या एरर आया है भाई, तो देख लेते हैं, क्लियर किया मैंने, ऐप को रिफ्रेश किया। Firebase need to provide option not being deployed for hosting via source. हाँ भाई, यही एरर आ रहा था सबके पास। इस एरर को कैसे किसी ने सॉल्व किया सर? क्या किया? कौन सा फंक्शन के अंदर कॉल? ये वाला? ये कहाँ? मुझे खुद ही याद नहीं इसने क्या किया। अच्छा हाँ, अच्छा देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ, बहुत आसान होता है एरर को चेक करना। ये मैंने जाके उसको गूगल किया, अब ये देखो आ गया, ये गेट ऑथ से ही लोगों को ये इशू है, गेट ऑथ में ही हो रहा है ये एक्चुअली लोगों के साथ। अच्छा 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 सही है, समझ आ गया क्या चक्कर है। ये कह रहा है कि भाई जो फायरबेस की इनिशियलाइज ऐप है ना, जो अच्छा इनिशियलाइज ऐप की, ये जो फायरबेस का इनिशियलाइज का जो फंक्शन है ना, ये सबसे पहले चलना चाहिए, ठीक है। फायरबेस का जो इनिशियलाइज का फंक्शन है ना, ये रहा इनिशियलाइज ऐप, कह रहा है ये सबसे पहले चलना चाहिए। अगर ये नहीं चला ना सबसे पहले, और उससे पहले ये गेट ऑथ वगैरह ये कुछ और चल गया अगर, तो ये बहुत बड़ा मसला है। ये क्या है? बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। अच्छा, हमने index.js में ये फाइल अटैच की हुई है और ये बात हम index.js में सबसे पहले चलाते हैं, तो इसका मतलब है इसको सबसे पहले चलना चाहिए।
उसके अंदर है ना, ये तो ऐप पूरा का पूरा उसके अंदर है, लेकिन somehow ये बाद में चल रहा है और ये पहले चल जा रहा है और इसलिए वो एरर आ रहा है। ठीक है, इसका शायद रीज़न ये है कि ये मेरे कंपोनेंट से बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट अंदर है ना, कंपोनेंट में गारंटी होती है कि जो रूट पे कंपोनेंट है वो पहले रन होगा, उसके बाद जो है वो बाद में रन होगा, लेकिन ये रूट से बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको कट कर दूँ यहाँ से और कट करके मैं क्या करूँ, इसको मैं यहाँ अंदर लेकर आ जाऊँ। ठीक है, मे बी यहाँ पर या यहाँ पे, नहीं तो यूज़ इफेक्ट के अंदर, तो शायद ये फिर एरर मेरा ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो गया एरर वो है। ये क्या कह रहे हैं, कुड नॉट रीच क्लाउड फायर स्टोर बैकएंड, कनेक्शन फेल्ड वन टाइम, मोस्ट एरर कोड परमिशन डिनाइड, क्लाउड फायर स्टोर API हैज नॉट बीन इन द प्रोजेक्ट। अच्छा, ये एरर इस वजह से आया है क्योंकि अभी जो मैं ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें फायर स्टोर इनिशियलाइज नहीं हुआ है, ये एरर इस वजह से आया है। ठीक है, मैं वापस इस ऐप में जाता हूँ, इस पिछली दफ़ा मैं कोई दूसरी ऐप यूज़ कर रहा था, अगर मैं वापस जाके आपको दिखाऊँ ये पुराने प्रोजेक्ट में, पुराने प्रोजेक्ट में मैं कौन सा फायर बेस यूज़ कर रहा था, हेलो वर्ल्ड फायर बेस और इस तरह करके कुछ आईडी थी इसकी। ठीक है, लेकिन अब की बार जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फायर बेस, उस वो डिफरेंट प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट द सेम प्रोजेक्ट, ये रहा। और हमने ये फायर स्टोर पढ़ते हुए देखा था कि जब भी हम फायर स्टोर यूज़ करते हैं तो हमें जाके यहाँ पे पहले उसको इनिशियलाइज करना होता है, तो मैं यहाँ जाऊँगा बिल्ड में, बिल्ड में जाके मैं क्या करूँगा, फायर बेस फायर स्टोर ये रहा, और इसको मैं क्या करूँगा, इनिशियलाइज का बटन दबा के शुरू में ये एक दो सवाल पूछता है, फिर ये शुरू होता है, क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मुझे ना ये दो ऑप्शन देता है, तो हम हेलो वर्ल्ड करते हुए हमने क्या किया था, टेस्ट मोड में चला दिया था कि सब कुछ पब्लिक है, इस बार हम टेस्ट मोड में नहीं चलाएंगे। ठीक है, इस बार हम क्या चलाएंगे, हम चलाएंगे प्रोडक्शन मोड, और प्रोडक्शन मोड में जब चलाऊंगा मैं तो मुझे रूल लिखने होंगे यहाँ पे कि कौन सा डेटा का एक्सेस किसको देना है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ ज़रा, पहले तो प्रोडक्शन में मुझसे ये लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन में जो आ रही है डिफ़ॉल्ट वही रख देता हूँ, लोकेशन हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चीज़ होती है, कि मेरा जो क्लाइंट है, ज़ाहिर है डेटाबेस जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना मसला है, तो मेरा अगर यूज़र यूनाइटेड स्टेट का है ना तो मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करूँगा, मेरा अगर यूज़र पाकिस्तान का तो करीब तरीन जो होगा पाकिस्तान से मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा, ताइवान है, मुंबई है, सिंगापुर है। ठीक है, और मुंबई सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि दुश्मन मुल्कों में आमतौर पर आप डेटाबेस नहीं बनाते हैं, ये स्ट्रेटजी एक जनरल स्ट्रेटजी है तमाम कंपनीज की, वो डेटाबेस अपना उन्हीं मुल्कों में रखते हैं जो दोस्त मुल्क हैं, दुश्मन मुल्कों में अपना डेटाबेस कभी भी नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि गूगल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है ना, गूगल की फिज़िकल बिल्डिंग्स पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है, जहाँ जहाँ है वहाँ पर होगा। ठीक है, जो डेटा सेंटर है, जो आपके वेयर हाउसेज हैं, वो जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ का नाम आ रहा होगा। वेल, तो मैंने फिलहाल यूनाइटेड स्टेट रख दिया क्योंकि अभी हम हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं, इसमें ज़ाहिर है ये चीज़ें आपको जब फील होती हैं जब आपको ट्रैफिक आती है, अभी जब ट्रैफिक ही नहीं है इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहीं पर भी करें। ठीक है, वेल, आप गूगल मैप में जाके देख सकते हैं कि फिज़िकली कौन सी जगह आपसे करीब तरीन है, आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। अच्छा, आपसे भी करीब नहीं, आप तो डिवेलपर है ना यार, जो एक्चुअल यूज़र होगा, आमतौर पर फ्रीलांसिंग जब हम करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के यूज़र आते हैं, यूरोप के यूज़र आते हैं, तो उनकी उन जहाँ पे उन्होंने मार्केटिंग करनी है उससे करीब तरीन जगह देख के वहाँ पे कर देते हैं डिप्लॉय। और इसने मुझे बोला भाई एक बार ओके हो गया ना तो ये चेंज नहीं होगा बाद में, मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, एनेबल। अभी मैं प्रोडक्शन मोड में इसको चला रहा हूँ, राइट, पहले टेस्ट मोड में चलाया था वैसे नहीं चला रहा, क्या कह रहे हो, अभी अभी दिख बता रहा हूँ ना मैं, ये डेटाबेस मेरा बन के तैयार हो गया, अब वो एरर ख़त्म हो जाना चाहिए जो मुझे आ रहा था ना कि ये बना हुआ नहीं है इस पर डेटाबेस, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये एरर ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा, एरर ख़त्म नहीं हुआ, डिफरेंट एरर आया है, क्यों, कि जब हम प्रोडक्शन मोड में चलाते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट बिल्कुल ही
फॉल्स हुआ बहुत है कि किसी को डेटा नहीं दिया जाएगा, मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, उस सिक्योरिटी रूल को मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि भाई आप जो चीज़ रीड करने की कोशिश कर रहे हो ना उसका परमिशन नहीं है, तो वापस जाते हैं। ये मेरे पास रूल्स का एक टैब है, इसमें चला गया मैं। इसमें जाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना अलाउ रीड राइट इफ, यहाँ पे मैंने लिखना है ऑथेंटिकेटेड। ये सजेशन नहीं दे रहा ये। अच्छा तो मैं डॉक्यूमेंट से देख लेता हूँ फिर, जब सजेशन नहीं दे रहा तो मैं डॉक्स में जाऊँगा सिंपली। डॉक्स में जाने के बाद मैं जाऊँगा फायर स्टोर में, ये फायर स्टोर में चला गया मैं। फायर स्टोर में जाने के बाद मैं जाऊँगा सिक्योरिटी रूल्स में जाऊँगा मैं, ठीक है, सिक्योर एंड वैलिडेट गेट स्टार्टेड। ये सिक्योरिटी रूल्स हैं फायरबेस के, ये हम कम्प्लीटली कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी तुम खुद ही देख लेना। सही है, कह रहे हैं कि भाई ये पाथ होगा कि भाई डेटाबेस का नाम डॉक्यूमेंट मैच सम पाथ, यहाँ पे भी कोई पाथ होगा, इन दोनों को अलाउ कर दो, रीड राइट अलाउ कर दो इफ़ ये कंडीशन अगर मैच करती है। वो कंडीशन कौन सी है, ये है वो कंडीशन कि इफ रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेशन इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, अगर ऑथेंटिकेशन नल का मतलब है कि बंदा लॉग इन नहीं है। सही है, अगर ऑथेंटिकेशन लॉग इन है अगर बंदा, तो रिक्वेस्ट डॉट ऑथ में क्या मिलता है, यूजर का पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है कि उसकी ईमेल क्या है, उसका नाम क्या है और प्रोफाइल पिक्चर वगैरह का URL और भी कुछ एक दो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो मैं अपने यहाँ पे जाके क्या लिख देता हूँ, मैं यही वाली बात यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई, अच्छा ये मैंने क्या किया, ये फटा दिया, हाँ इफ के आगे लिखना था ना ये, इफ रिक्वेस्ट डॉट ऑथ इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, ओके कर दिया मैंने इसको, डिप्लॉय, अच्छा कंट्रोल एस से खुद ही हो गया मुझे, ठीक है, कंट्रोल एस से वो खुद ही हो गया, बटन नहीं है इसका कहीं पे, बस कंट्रोल एस क्या हो गया, कंट्रोल एस दोबारा कर देता हूँ एक दफ़ा मैं, अच्छा नहीं हुआ, सेव पब्लिश, अच्छा कंट्रोल एस से खुद ही हो जा रहा है भाई, तो कोई भी चेंजेस करके आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली पब्लिश। तो अब इस मैंने कहा कि रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेशन इज नॉट इक्वल टू नल, राइट, अब देखते हैं मेरे पास क्या सिचुएशन है, मैं वापस डेटाबेस में आ जाता हूँ अपने, और डेटाबेस में आके मैं अब इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसने वो वाला एरर नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ इस वक्त, अगर मैं लॉगआउट कर दूंगा तो मुझे वो दोबारा एरर देने लग जाएगा कि आपको परमिशन नहीं है इसकी, लॉगआउट कर दिया, रिफ्रेश करूंगा, आपको एरर आना चाहिए परमिशन डिनाइड वाला। अच्छा अब वो एरर असल में इसलिए नहीं आ रहा कि अब तो ज़ाहिर है उस कंपोनेंट पे ही नहीं जा रहा ना मैं तो जब उस कंपोनेंट पे जाऊंगा तो वो उसको रीड करने की कोशिश करेगा, कौन सा कंपोनेंट, होम का कंपोनेंट जिस पे ये रीड और राइट का सारा कोड लिखा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, अब लॉगिन कर देता हूँ, लॉगिन किया मैंने तो अब मैं जाऊँगा उस पेज पे, बस ठीक है, वो एरर अब ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा और पोस्ट का बटन दबाऊँगा तो ये पोस्ट हो गया, और यहाँ पे डेटाबेस में भी है, अबे क्यों नहीं अपेयर हुआ भाई, हाँ हो गया अपेयर, सही है, क्रिएटेड ऑन और टेक्स्ट, यही दो चीज़ें रखी थी हमने, राइट। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, मज़ीद कुछ चीज़ें लिखता हूँ और पोस्ट का बटन दबाता हूँ, पोस्ट हो गया, बिल्कुल सेट हो गया मेरा काम, ज़बरदस्त ओके, ब्रांड न्यू हो गया। तो इस पॉइंट पे हमने ये किया कि हमने जो एक प्रोजेक्ट था जिसमें फायरबेस ऑथेंटिकेशन अप्लाई की थी हमने, उसी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या कर लिया, एक अदर क्रड ऑपरेशन जो पहले से बना हुआ था उसको भी इंक्लूड कर लिया इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, इसमें सब चीज़ें समझ आ रही हैं कि कैसे हुआ सब कुछ, ठीक है जी, आसान था, मुश्किल तो नहीं था। अब ये वाला इस कंपोनेंट में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, गेट डेटा कैसे गेट हो रहा है, ये सब आपको अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब आप लोगों को पहले से पता है, राइट। ये अनसब्सक्राइब और ये डेटा जो रियल टाइम में गेट हो रहा है, स्नैपशॉट आ रहा है, ठीक है, एक हमारे पास स्टेट वेरिएबल बना हुआ है जिसमें ये चीज़ें सेट हो रही हैं, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है, ये दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है
तो वो जो हमने फायर स्टोर का जो हेलो वर्ल्ड किया था क्रैड ऑपरेशन, उसमें ये बड़ी डिटेल से डिस्कस हुई है चीज़ें, वो आप जाके दोबारा से देख सकते हैं।